ये बॉलीवुड कितना गिरा हुआ हो सकता है कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तों। पैसों के लिए किस हद तक नीचता दिखा सकता है ये अब सामने आया है। तो दरअसल संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट जिस फिल्म को लेकर इतना फुदक रहे हैं वो फिल्म दरअसल में पूरी तरह फेक है। फिल्म में जिस गंगूबाई को कोठेवाली बताया गया है वो सरासर झूठ है। जिस गंगूबाई को वैश्या के तौर पर दिखाया गया है वो भी पूरी तरह से सफेद झूठ है। ये कहना हमारा नहीं है बल्कि खुद असली गंगूबाई के असली परिवार का ये दावा है। जी हाँ, फिल्म के रिलीज से ठीक पहले असली गंगूबाई का परिवार सामने आया है और परिवार ने जो जो दावे किए हैं उसके बाद तो साफ हो गया है कि हुसैन जैदी, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। असली गंगूबाई के परिवार ने इन सभी को कोर्ट में खींच लिया है और मानहानि का दावा तक ठोक दिया है। साथ ही साथ फिल्म को पूरी तरह बैन करने की मांग भी की है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कहना है गंगूबाई के परिवार का और बदनामी के बाद कैसे गंगूबाई का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बुलंद करें। तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद एक और जहां पर फैंस इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं एक परिवार ऐसा भी है जहां ट्रेलर का रिलीज होना उनके लिए काल बन चुका है। परिवार वालों ने संजय लीला भंसाली, राइटर हुसैन जैदी और आलिया भट्ट पर मानहानि का दावा किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने उनके परिवार की परेशानी बढ़ा दी है। आलम यह है कि गंगूबाई का परिवार अब मुंबई के घरों में बार बार अपना आशियाना बदल रहा है ताकि लोगों के तीखे सवालों से बच सके। दरअसल गंगूबाई ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था। आज उनकी फैमिली बढ़कर 20 लोगों में तब्दील हो चुकी है। इतने सालों से अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने रोजगार में व्यस्त चल रहे इस परिवार की अचानक से मुसीबतें तब बढ़ गईं जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इतना ही नहीं, इन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ गंगूबाई पर कोई किताब भी लिखी जा चुकी है। लगातार अपने रिलेटिव्स के बीच मजाक का पात्र बन रहे उनके बेटे ने अपनी मां गंगूबाई और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गंगूबाई की फैमिली के वकील नरेंद्र का कहना है कि ट्रेलर रिलीज के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जिस तरह से फिल्म में गंगूबाई की इमेज को दर्शाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और बेसलेस है। ये पूरी तरह से वल्गर है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रोस्टिट्यूट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या परिवार को ये बात पसंद आएगी? उन्हें तो आपने वैम्प और लेडी माफिया डॉन तक बना दिया जबकि वो एक सोशल वर्कर थी। वकील का कहना है कि हमारे यहाँ के सिस्टम का मसला ये है कि यदि आपके घर की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है तो लोग यहाँ उनकी इज्जत को बचाने के बजाय उनके बेटे से ही सबूत मांग रहे हैं कि उनके बेटे इस बात को प्रूव करें कि उनकी माँ क्या करती थी। वकील का कहना है कि हम सब कुछ निचली कोर्ट में साबित कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म में गंगूबाई को एक सोशल वर्कर के बजाय एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर दिखाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। वकील ने बताया कि हमारी लड़ाई तो साल 2020 से ही शुरू हो गई थी जब उनके बेटे को पता चला कि कोई बुक आई है और उस पर फिल्म बन रही है। जब फिल्म के प्रोमो के साथ उनकी माँ की तस्वीर देखी तब उन्हें पता चला कि मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी तो परिवार खुद को छिपाता फिर रहा है, कभी अंधेरी तो कभी बोरीवली जैसी जगहों में शिफ्ट होने को मजबूर है। वकील का कहना है कि परिवार इतना परेशान हो चुका है कि लोग उन्हें गंगूबाई के बच्चों की बजाय एक बिच के बच्चे कहकर बुला रहे हैं। जानने वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में तुम्हारी माँ प्रोस्टिट्यूट थी? तुम तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर है लेकिन तुम तो कुछ और ही कह रही है। वकील का कहना है कि जब से ये बवाल हुआ है तब से परिवार वालों का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। कोई भी ना तो शांति से जी पा रहा है, ना खा पा रहा है और ना ही सो पा रहा है। उनकी हालत बहुत ज्यादा आत्मघाती हो चुकी है। वकील ने बताया कि गंगूबाई ने उन 4 बच्चों को साल 1949 में अडॉप्ट किया था जिसके कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। वकील का कहना है कि हमने संजय लीला भंसाली और राइटर हुसैन जैदी को नोटिस भेजा है, साथ ही साथ आलिया भट्ट को भी नोटिस भेजा है और हमने इन तीनों के खिलाफ मानहानि का दावा भी किया है। अब गंगूबाई के अडॉप्टेड बेटे बाबूराव जी शाह ने बातचीत में बताया कि मेरी माँ को प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख दिया है। मेरी माँ के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं गंगूबाई की नातिन भारती का कहना है कि इन फिल्म मेकर्स ने अपने पैसों के लालच में आकर हमारे परिवार को डिफेम कर दिया है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपने ना तो परिवार की सहमति ली, ना तो किताब लिखते वक्त हमारे पास आए और ना ही फिल्म बनाने से पहले किसी भी तरह की परमिशन हमसे ली और ना ही हमसे किसी तरह की पूछताछ की। गंगूबाई की नातिन का कहना है कि मेरी नानी कमाठीपुरा में रहती थी तो क्या वहाँ रहने वाली हर औरत वैश्या होती है?
मेरी नानी ने वहाँ 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था जो कि प्रोस्टिट्यूट के बच्चे थे। हमारा भरा पूरा परिवार है। मेरी माँ का नाम शकुंतला रंजीत कावी है। दूसरे बेटे का नाम रजनीकांत रावजी शाह है। तीसरे बेटे का नाम बाबू रावजी शाह। चौथी बेटी सुशीला रेड्डी है। हम उन्हीं के परिवार से हैं। फिल्म वालों ने तो हमें इलीगल करार दे दिया है, लेकिन हमारी नानी ने हमें अडॉप्ट किया था और उस वक्त के कानून के हिसाब से हमारे पास कागजात भी मौजूद हैं। परिवार का कहना है कि हम एक और जहां फक्र से अपनी माँ के किस्से सुनाया करते थे, वहीं फिल्म का ट्रेलर आ जाने के बाद हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। लोग फोन करके कहने लगे कि आपकी माँ तो प्रोस्टिट्यूट थी। परिवार वालों का कहना है कि हमारी माँ ने जिंदगी भर वैश्याओं के उत्थान के लिए काम किया। इन लोगों ने हमारी माँ को क्या से क्या बना दिया। अब हमें लोग प्रोस्टिट्यूट की औलाद कह रहे हैं। हम और हमारा परिवार कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि हमें लगने लगा है कि अब हमारा जीने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें मरना ज्यादा आसान लग रहा है। तो वाकई में पैसों के लालच में बॉलीवुड इतना गिर सकता है? एक सोशल वर्कर को सेक्स वर्कर बना दिया। वैश्याओं के हितों के लिए काम करने वाली गंगूबाई को इन लोगों ने मिलकर वैश्या बना दिया। क्या परिवार का दावा सही है? और अगर परिवार का दावा सही है तो क्या फिल्म पर बैन लगना चाहिए? क्या फिल्म का बायकॉट नहीं होना चाहिए? कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के जाने से पूरा देश अब तक गमगीन है। हर कोई उन्हें अपनी तरह से याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस भी खूब सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक वायरल हो रहा वीडियो स्वर कोकिला और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच के बातचीत से जुड़ा भी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि लता मंगेशकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बेहद रिस्पेक्ट करती थी, मगर एक शिकवा उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में हमेशा से रखा हुआ था, जो आखिरकार उन्होंने फोन पर बात करते हुए अमिताभ बच्चन से जाहिर कर ही दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के दौरान का है, जब बिग बी के सामने हॉट सीट पर बैठी एक महिला कंटेस्टेंट ने लता मंगेशकर से बात करने की इच्छा जताई थी। कंटेस्टेंट के एक बोल पर बिग बी ने दिवंगत लता मंगेशकर को फोन लगा दिया था। दोनों की बातचीत से ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो लंबे समय से दोनों ने आपस में बात न की हो। कॉल पर जैसे स्वर कोकिला से बिग बी अपना परिचय देते हुए उनका हालचाल पूछते हैं तो वो जवाब में कहती हैं, मैं ठीक हूँ, आप तो कभी मिलते ही नहीं है, न बुलाते हैं। इस पर बिग बी कहते हैं, आपको कैसे बुलाया जाए, हम तो चाहते हैं आप आए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, लेकिन बहुत डर लगता है, कैसे बुलाया जाए आपको। इसे सुनकर लता मंगेशकर हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि उन्हें भी बहुत डर लगता है कि शो में आकर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो क्या करेंगी। दोनों के बीच भले ही हंसी मजाक में बातचीत हुई हो, लेकिन लता मंगेशकर की बातों से मालूम पड़ता है कि उन्होंने बिग बी द्वारा न मिलने और न बुलाने का मलाल रखा हुआ था। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर दिवंगत लता दीदी की ये पुरानी वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रही है।